आसपास के राज्यों में आजकल चोटी काटने वाली अफवाहें बड़ी तेजी से फैल रही हैं। पहले राजस्थान से हरियाणा और फिर हरियाणा से यूपी और उसके बाद यूपी से दिल्ली तक खबर है कि कोई रात में आता है और महिलाओं की चोटी काट ले जाता है। कोई इसे साया बताता है तो किसी का मानना है कि ये कोई बुरी बला है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिरकार महिलाओं के बाल कट कैसे रहे हैं। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ऐसी कई अफवाहें हैं जिनकी गूंज पूरे शहर में सुनाई पड़ी है, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिकों की माने तो ये कोई भूत नहीं बल्कि मास हिस्टीरिया है जो फैली हुई अफवाहों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, जिसके बाद धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिससे लोग अफवाहों को ही सच मानने लगते हैं। साल 2001 के महीने में भी भीषण गर्मी में भी लोग बंद कमरे में रहते थे, वजह था अफवाहों से जन्मा मंकी मैन। ये भी दिल्ली से गाजियाबाद और फिर नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में तेजी से फैलने वाली अफवाह ही थी, लेकिन अफवाहों को सच मानकर लोग सारी सारी रात पहरा देते रहे। हर जगह एक ही अफवाह थी कि मैंने मंकी मैन को देखा है, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ वो बंदर लोगों के जहन से उतरने लगा, जिसके बाद वो मंकी मैन कौन था, कहां से आया, ये बात कोई नहीं जान पाया। बल्कि ये तो वो मानसिक बीमारी थी जो लोगों के दिमाग को एक और केंद्रित कर अफवाहें फैलाने का काम करती रही, जिसके बाद अब ये चोटी काटने वाली की कहानी ना तो साधुओं का कोई झुंड है और ना ही तांत्रिक का काम, बल्कि ये भी मास हिस्टीरिया ही है। तो ऐसे में किसी तांत्रिक की नहीं बल्कि जरूरत है तो डॉक्टर की। तो सबसे खास बात ये कि आप भी इस किस्म की किसी भी अफवाहों को ना फैलाएं, बल्कि लोगों को ठीक तरीके से समझाएं ताकि इस पागलपन से जल्द बाहर निकला जा सके।